नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और हमारे साथ हैं कुछ मित्र हमारे। ये हैं कमल भैया, लगता है कुछ सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है। क्या चल रहा होगा कुछ समझ में? ओहो, पानी पियेंगे, मुंह धुलेंगे, अभी तो उन्होंने मुंह धुला था अपना। और यहाँ पे दो लड़के और हैं जो आगे आगे भाग रहे हैं, इनका एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ। हेलो गाइस, प्लीज अपना नाम बताओ। अच्छा, और यहाँ पे कमल भैया द्वारा कुछ कमेंट पास किया गया, एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए कमेंट को। और गाइस, हम ये अमेज़न के जंगलों में पहुँचते हुए, मेरे घर वालों लंगड़ों को खातिर भेजू मैं। चल बोलो नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे हम केड़े घेरते थे, केड़े मतलब बिमल होता है, उसको यहाँ पे घेरते थे, फिर उसका रफा बनते डालते थे। ओह माय गॉड, मैं कंफ्यूज हो गया। और यहाँ पे इनका कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भीमल के लकड़े होते हैं उन्हें घेरते थे, यहाँ रखते भी नहीं थे, घेरते थे। ओके, और देखिए आपको, और सचिन रावत यहाँ पे लेंगड़े बताएंगे आपको। ये है लेंगड़ा। ओह माय गॉड गाइस, लेंगड़ा मिल गया। जहरीला नहीं है, खूब है, वो प्योर लेंगड़ा है, और ऐसा बनता है इसका, आप कभी टेस्ट करना। ठीक है गाइस, इन्होंने बताया हम जरूर टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई मर गया ऐसे खा गए तो ये बोल रहे कि हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? यहाँ पे एक ओडार है, और जब बरखा होती थी, जब हम बाखरा चराने आते थे तो यहाँ पे बैठ जाते थे। बाय। तो गाइस, इनके कहने का मतलब है कि ये है यहाँ पे ओडार, यहाँ पे कभी कभी बाघ भी रुकता है, और ये जब बकरियां चराने आते थे तो यहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे सो जाते थे निश्चिंत होके। और यहाँ पे सचिन सिंह रावत ने नया लेंगड़ा खोज किया। अब इनका कहना क्या है, ये जहरीला है या फिर कैसा है? ये पुराने लोग है, ये इनका कहना है कि ये पुराना लेंगड़ा है, सही लेंगड़ा है, जहरीला नहीं है। इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं? कच्चा भी खा सकते हो। वो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक धारा है। और यहाँ पे एक और खोज कर दी हमारे लड़कों ने। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक खोज, और यहाँ पे पानी मिल गया। पानी, वाह, पानी मिल चुका है, और इस पानी को हम पी भी सकते हैं। और इनका कहना है, सचिन रावत का कहना है कि ये भीतर से भी अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है। और शुभम रावत क्या कहना चाहेंगे इस पानी के बारे में? पुरानी बुढ़ियों से। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है यहाँ जो पुरानी बुढ़िया आती थी वो यहाँ पानी पीती थी। कृपया चप्पल ना रखे। और गाइस, यहाँ पे हमने एक और खोज की, यहाँ पे लोगों का बॉनफायर, जो पुराने जमाने के लोग होते थे, जैसे हमारे दादा परदादा लोग, उनका यहाँ और आदि मानव लोग, वो यहाँ पे आग जलाते थे, बकरी जलाते थे और उन्हें खाते थे। गोरचू बोलते हैं उसको, जो बाण में बनाते हैं उसको गोरचू बोलते हैं। हाँ, ये सही वर्ड है, गोरचू। बड़े भाई साहब है हमारे, कमल चंद्र मोला, पुराना रीति रिवाज था वापिस। अरे सुबड़ी रावत, ओके, डिस्पोजर का गिलास पुराना। और यहाँ पे एक और खोज, तानसेन, इससे ये साबित होता है कि तानसेन
तम्बाकू आता है, ये बहुत साल पुराना है। बंद तो पैगों को, पुराना बुढ़े लोगों को। और ये यहाँ पे हमारे दादा परदादा लोगों का पैग। अमेरिका देश का ऐसा है दे। और ये अमेरिका का हानी लंपू यहाँ पे लंपू भी छूट रखा है किसी का। पुराने जमाने के लोग इसमें लंपू बनाते थे अपना। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोस्त लेंगड़ों की तलाश में। सचिन रावत कुछ कहना चाहते हैं लेंगड़ों के बारे में, लेकिन अभी वो थोड़ा बिजी है। और यहाँ पे मेरी कंडाली लग गई गाइस, ये कंडाली लग चुकी है मेरे पैर पे। गाइस आप देख सकते हैं आगे झाड़ियां ही झाड़ियां। और ये है सबसे ब्यूटीफुल जगह घटपटाली, आप देख सकते हैं गाइस घटपटाली को। और ये है कुछ साथी आ रहे हैं पीछे से। देखिए गाइस इस ब्यूटीफुल जगह का नाम है घटपटाली। और घटपटाली में आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पत्थर और कुछ सुंदर सुंदर लड़के, इनका नाम है शुभम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और गाइस हम जा ही रहे हैं और काफी क्लोज पहुंचने वाले हैं हम। हमारे साथ पीछे कुछ सचिन रावत कुछ कहना चाहते हैं क्या? हेलो गाइस, यहाँ पे नए गाइस, इनको इनको दिखाइए, नए प्रभारी हमारे, ये नए नए मनकी, इनका नाम है मनीष रमोला। तो यहाँ पे सचिन रावत बता रहे थे कि यहाँ हमारे पुराने जमाने के डोकरे पोंगड़े थे, शेर थे जो अब यहाँ बंद हो गए, उखड़ बोलते हैं उसको, उखड़ थे यहाँ। अच्छा, बंद हो गए हैं, फिर यहाँ पे झाड़ियाँ हो गए काफी, जैसे लालटेन बोलते हैं इसको, और ये होता है बांसू, जब तुम्हारे चोट लगती है इसको रगड़ो और फिर पीसो और फिर लाड़ो, एक औषधि का काम करता है यार। यार ये रामदेव से कम थोड़ी है, भारी मात्रा में पाया जाता है। और वो वाला तो गाइस पता सूत्रों से पता लगा है ये दोनों है 200 साल पुराने, इन्हें यहाँ का सब कुछ पता है, इन्हें सब कुछ पता है तिमला। और सचिन रावत इनकी उम्र हो चुकी है 170 साल और इन्हें पता है इसे तिमला कहते हैं। और अभी लग नहीं रहे हैं, फ्रूट होते हैं काफी, मतलब ताजे फ्रूट एनर्जी वाले, मतलब आप एक बार खाओगे बार बार आओगे ये। पर क्या पर कीड़ा भी रहना ना 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 के पर। चलो गाइस आगे मिलते हैं फोन। और वहाँ पे एक औरत, एक औरत गढ़वाले की, काफी साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे बैरवानी का हाथ काट रहे हैं। एक और प्रजाति मिलती भी, सचिन रावत कुछ कहना चाहते कि ये क्या है? और इन्हें भी पता नहीं कि ये क्या है। गाइस अगर आपको पता है कि ये क्या है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, कमेंट बताइए, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक कर। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे, और साथ में हेलो गाइस मथिनकोट बोलते हैं। कितना प्यारा नजारा देखिए आप खुद देख सकते हैं, हमारा मथले नकोट, ठीक है मथले नकोट बोलते हैं, छोटा नकोट, हमारा लक्ष्य है बेले नकोट गार्ड। और दो भाई लोग और पीछे से आते मनीष रमोला जी, प्रसिद्ध अपनी कलाकारी के लिए, ये काफी अच्छा चित्रण करते हैं अपने मन में लड़कियों का। और यहाँ पे अब जाएंगे हम भाई जी के घर पे, ब्लॉगिंग शुरू। और यहाँ पे सचिन देखिए पुमा पहना है उन्होंने, टाइगर बनाया। एक समय था जब गांव में यह इनका ख्वाब हुआ करता था, पर अब बच्चा इनके मुंह पे गाली देके निकल जाता है। देखिए कितना क्या बैग देखिए, बैग बहुत है इस गांव में औले में पाए जाते हैं, औले यहाँ औले के लिए प्रसिद्ध है नकोट, यहाँ पे हमारा सुप्रसिद्ध। अब यहाँ पे मेरे ताऊजी लोगों घर, उनके ऊपर एक भैरू का मंदिर है, भैरूदार कहा जाता है इसे। देखिए वहाँ पे ये डांग सारे दिखता हुआ रोड शुरू किए है, निकलती पीपल डाली नागड़ में निकलती है रोड, देखिए सामने दिख रही है जो आपको। अरे
जान को आज दिन छा सुहाणु छा बादल छन थोड़ा लग्या ए बेर नी बेर घंटा पर निकी गुडा दो गाइस ये बेर का पेड़ जरा जूम मारिए इस पे बेर लगे हुए हैं छोटे छोटे और आंवला उठाओ आंवले का पेड़ ये देखो देखिए जूम करना हाँ तो देखो ये रहा आंवला ये रहा आंवला कितने सुंदर आंवले हैं देखिए मुंह में डाले और मुंह में डाले और खटास पाई है रवि जी क्या बोलना चाह रहे तुम हमारे बीच समाज ये देखिए हमारे सबसे सीनियर बंदे हम ज्यादातर एक्सपीरियंस इन्हीं के पास है मुर्गे मारने में एक्सपर्ट है ये तंदूर के सेफ है फर्स्ट कॉमी कहीं भी अवेलेबल है तो गाइस कमेंट जरूर करें कहीं भी हमारे चाचा जी के लिए जॉब के लिए मालिक को धमकी देकर आए हैं कि पैसे दे तभी आऊंगा लगता है यहाँ पे कोई भारी जानवर गुजरा है यहाँ से। चलिए ठीक है गाइस मिलते हैं आपको कुछ देर में नकोट लगभग हम पहुँचने वाले हैं और ये है हमारे प्रिय मित्र मिस्टर परमवीर रावत देख लीजिए ये परमवीर रावत सचिन रावत कुछ बताना चाहते हैं ये है इसको पत्यूड़ बोलते हैं और इनका कुछ बनाया भी जाता है आप बताना चाहिए क्या लेप लेप मसाला बनता है उसको लेपते हैं फिर उछाते हैं फिर छौंकते हैं और फिर उसका बनता है राई का तड़का लगता है इसमें अच्छा ठीक है तो गाइस हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप वादियाँ कितने प्यारी वादियाँ हैं गाइस ये मंदिर हमारा देवी का मंदिर कहाँ पे देवी और की भैरू कहाँ पे ये और ये है हमारे भैरू देवता का मंदिर गाइस हम काफी क्लोज हैं देख सकते हो आप सचिन रावत आगे भागते जा रहे हैं और शुभम रावत भी आगे भाग रहे हैं लेकिन कुछ कहना नहीं चाहते लगता कुछ कहना चाहते हैं दोनों सज्जन आया मौसम ठंडे गर्मी ये बेलनकोट है यहाँ सुप्रसिद्ध पीर रौखली का जन्म है गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे आपदा आई थी काफी सुंदर दृश्य है हमारे ग्राम नकोट का पीछे से कमल भाई भी आते हुए और ये एक और मन की पीछे से दिख रहे हैं हमार गोते मारने जा रहे आज और इनका कहना है कि हम गोते मारने जा रहे हैं अच्छा आते हैं नहीं मारने मुझे भी नहीं आता नागड़ी पहुंचेंगे पता है मंदिर हमने खोबा की चल्ली में ट्राई किया था हमने वही मार रखे गोते बस वही सीखा था हमने यार लुकारा टेरा जा रहे हैं यहाँ बार बार कोई नहीं है और ये सचिन रावत कुछ कहना चाहते हैं हेलो गाइस आई एम सचिन रावत ये सेर्रा है यहाँ पे और ये डूब चुके हैं सेर्रे में किसी ने इसे धक्का दे दिया पीठ के पीछे से धक्का दिया मजा आया सचिन रावत जरा इधर आइए बताइए ये क्या है सचिन रावत इसे क्या कहते हैं देखो मेरी चप्पल लतपत हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि इनकी चप्पल लतपत हो चुकी है और ये यहाँ पे अपनी चप्पलें धो रहे हैं जरा बताएंगे इसे क्या कहते हैं ये जो छोटी सी नदी आ रही है इसको नहर बोलते हैं और गढ़वाली में क्या बोलते हैं गढ़वाली में इसको आई डोंट नो मैं भूल गया हूँ काफी समय ओके सो ये भूल चुके हैं और यहाँ पे किसी की पैंट आया और यहाँ पे छोड़ गया अपनी पैंट जानवर भगाने का तरीका है ये और ये छोटे छोटे जानवर आते हैं उन्हें भगाने का तरीका है ये कपड़े अपने घर से लाके यहाँ पे रख दो और फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाओ गाइस
नहर। मनीष रावत फोन पे लगे हुए, सॉरी मनीष रमोला। गाइस सीरियसली बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे काफी अच्छा मजा लेते हुए लड़के, पीछे एक बंदा पोज मार रहा है, अपनी हड्डियां दिखा रहा है पोज मारते हुए। सिक्स पैक्स तो है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा ऐसा करके सिक्स पैक बाहर आते हैं। ओ माय गॉड, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। आइए